टैलेंट जिस नरेंद्र मोदी जी को अब बोलने का कुछ नहीं कहा, क्लास ऑफ ठीक से सुना रहा है, टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको, टेलीप्रॉम्प्टर लगा रहता है, पीछे से कंट्रोलर है। सत श्री अकाल, मेरा नाम अल्ताफ और आप देख रहे हैं द कंटाप। ये टीपी किसने रोक दी? नेशन वांट्स टू नो कि ये टीपी किसने रोक दी। आप जानते हो टीपी का मतलब? शायद नहीं जानते होगे, क्योंकि ये मीडिया जगत और पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक क्या कहते हैं रामबाण का काम करती है टीपी। अगर ये टीपी ना हो तो लोगों की बोलती बंद हो जाती है और जनवरी के महीने में भी पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि आप और हम शायद अब तक नहीं जानते थे कि वो अपना भाषण, इतनी बड़ी बड़ी भाषण और इतने आराम से इतनी अंग्रेजी कैसे बोलते हैं। उसके पीछे का राज यही टीपी था, टेली प्रॉम्प्टर। लेकिन कल जो हुआ उसके बाद उनकी बोलती बंद हो गई, वो भी पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया में उनकी थूथू हो रही है इस बात से कि उन्हें दो लाइन बोलने नहीं आता अगर टीपी रुक जाए तो। ऐसे में कई नेता खास करके विपक्ष कांग्रेस के उन पर टिप्पणी की है, ट्वीट किया है और बताया है कि टीपी वाले प्रधानमंत्री मोदी, और ट्विटर पर भी पूरी तरह से ट्रेंड चल रहा है प्राइम मिनिस्टर टीपी। तो खैर, आप ये वीडियो देखिए कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए बीच में ही रुक जाते हैं और इधर उधर ताकने लगते हैं। टैलेंट जिस क्लास अब ठीक से सुना रहा है, और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको, क्योंकि उनका टीपी रुक जाता है। उसके बाद वो इस बात को भुनाने की कोशिश करते हैं और वो अपने सामने जो उनकी बात सुन रहा है उनसे पूछते हैं, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मेंबर से पूछते हैं कि क्या आप लोगों को आवाज जा रही है मेरी, आप लोग मेरे इंटरप्रेटर को सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, क्यों नहीं सुन पा रहे हैं। तो इन सब बातों को बताकर वो इसको टाल मटोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका टीपी रुक गया था। असल बात ये थी, आप ये वीडियो देखिए एक बार फिर से, उसके बाद प्रधानमंत्री को आप नंबर दीजिएगा, टीपी वाले प्रधानमंत्री को। टैलेंट जिस क्लास अब ठीक से सुना रहा है, और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। तो देख लिया आपने अपने टीपी वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि बिना टीपी के एक शब्द उनके मुंह से निकलता नहीं है। शायद यही वजह है कि पिछले इतने सालों से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए और पत्रकारों के जवाब देने के लिए वो कभी सामने नहीं आए, क्योंकि पत्रकारों के सामने वो टीपी में जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि पत्रकार कब कौन सवाल कर ले तो उसका जवाब टीपी में नहीं होगा। तो नेशन वांट्स टू नो कि टीपी किसने रोका। तो खैर, अब मैं कुछ ट्वीट पढ़ता हूं जो कि बीजेपी के प्रमुख विपक्ष पार्टी कांग्रेस ने किया है। तो जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने किया है कि टेलीप्रॉम्प्टर इज द रीजन फॉर जीरो प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद डॉक्टर समा मोहम्मद ने लिखा है कि विदाउट अ टेलीप्रॉम्प्टर पीएम मोदी कैनॉट इवन फिनिश अ सिंगल सेंटेंस, इंडिया नीड्स अ लीडर लाइक राहुल गांधी हु स्पीक फ्रॉम द हार्ट, इज नॉट अफेयर्ड ऑफ टेकिंग क्वेश्चंस, डज नॉट नीड अ टेलीप्रॉम्प्टर टू कम्युनिकेट विद द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद राहुल गांधी, माननीय राहुल गांधी ने लिखा है कि इतना झूठ टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं झेल पाया। विनोद कापड़ी लिखते हैं कि भारत की 140 करोड़ जनता को आज पता चल गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे थे। उसके बाद
सूर्य प्रताप सिंह आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर हैं, वो लिखते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर बंद होते ही पता चल गया कि असली पप्पू कौन है। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस नेता है, उन्होंने लिखा है टेलीप्रॉम्प्टर फेल, भाषण ढेर। तो ये थे कुछ ट्वीट जो बीजेपी के विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से लिखे गए थे। आप भी लिखिए, ट्वीट कीजिए या कमेंट बॉक्स में बताइए अपने टेलीप्रॉम्प्टर वाले प्रधानमंत्री के बारे में, और क्या ऐसा करने से पूरी दुनिया में भारत की बदनामी नहीं होगी? क्या प्रधानमंत्री एक एक वर्ड टेलीप्रॉम्प्टर से देख के बोलते हैं? मैं ऐसा नहीं कहता कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतने छोटी छोटी बातों के लिए टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करना सही है या गलत, आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, अपने प्रधानमंत्री को नंबर जरूर दीजिएगा कि टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ने में उन्हें कितने नंबर आप देना चाहते हैं। तो खैर, बने रहे हमारे साथ और ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।